सलमान भाई से तो सारी दुनिया को इंस्पायर होना चाहिए, और वो तो हमारे बड़े भाई एंड वो काफ़ी लोगों को आगे लेके आते, मुझे भी बड़ा उन्होंने सपोर्ट करा और मेरे गानों ने उनको बड़ा सपोर्ट करते, मैं मजाक में बोलता रहता उनको, बट ही इज़ अ ग्रेट मैन एंड आई थिंक वी शुड फॉलो हिज स्टाइल एंड खैर उनके साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं, बट मेरी सोच है कि हम बच्चों को चांस दें, न्यू टैलेंट्स को आगे लेके आएँ, और उसमें कोई एज की लिमिट नहीं है कि कोई 40 साल का है या 50 साल का वो नहीं गाएगा, सिर्फ यंग ही गाएंगे, तो जो भी अच्छा गाता है हमारी यही सोच है हम उसको आगे लेके आए। हमें इसको हर बार आवाज़ उठानी चाहिए एंड मैं हो सकता है बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ, हमें यही याद आता है कि सलमान भाई ने एक हिरन को मार दिया और उसके लेके 20 साल तक एक ही चीज़ चल रही है, 20 साल में पूरे हिंदुस्तान का जो खर्चा है वो सिर्फ एक हिरन के ऊपर जा रहा है, पूरी कायनात, पुलिस का खर्चा, जुडिशरी, सलमान भाई का खर्चा, पूरी दुनिया का एक नज़र वहीं पे जा रही है। और जब आज इतना बड़ा हादसा हुआ है कश्मीर के अंदर, और सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे मुसलमान भाई या हिंदू भाई हैं, मैं जरूर चाहूँगा कि इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दा हम सभी का है, वो बहन बेटी वो हिंदू की भी है, सिख की भी है और मुसलमान भाई की भी है, तो इसको हम कॉन्ट्रोवर्शियल ना बनाएं या एक धर्म के बीच में इसको ना लेके आए। तो हमारे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या चल रही है कि हम इतने बड़े हादसे को मुझे लगता है कि 5-10 में लोग भूल जाते हैं, फिर कुछ नई बात होती है हम फिर उसके ऊपर मुद्दा उठाते हैं, ये बार बार हमें आवाज़ उठानी चाहिए, बार बार हमें लोगों को जगाना चाहिए, मिलके ये आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ये चीज़ रुके। ये हमारा फोकस जाता है कि किसी पॉलिटिशियन ने क्या किया, किसी सेलिब्रिटी ने क्या किया, तो सारा ध्यान वहाँ बढ़ जाता है।